नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। और जैसे जैसे 2024 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। कुमारी शैलजा अम्बाला पहुंची और जमकर भाजपा पर बरसी। उन्होंने कहा कि भाजपा की जो गलत नीतियां हैं उनसे जनता को अवगत करवाना जरूरी है। और क्या कुछ कहा कुमारी शैलजा ने, सुनवाते हैं आपको। पूरी रूपरेखा आपके सामने आ जाएगी, लेकिन आज के दिन जरूरत है कि जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां हैं केंद्र में, राज्य में, ख़ास तौर से देश को जिस ओर धकेला जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोगों को अवगत कराएं, लोगों में जागरूकता लाएं, और जो लोगों की बात है, मन की बात है, उसको हम उठाएं। राहुल जी ने यात्रा की, खड़गे जी का नज़रिया आप देख रहे हैं सदन में और बाहर, तो इनका संदेश लोगों तक ले जाना बहुत ज़रूरी है। हम वो लेकर जाएंगे और विधानसभा चुनाव आना है, लेकिन उससे पहले लोकसभा का चुनाव आएगा और देश में ज़रूरी है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 10 साल से 9 साल से है देश में, पहले उसको हम कमज़ोर करें, उसको उखाड़ कर बाहर करें, तभी हमारा देश मजबूत होगा। तो ये संदेश हम लेकर जाएंगे, सब जगह जाएंगे और उसके पश्चात विधानसभा चुनाव है, लेकिन पहले हमने अपने आप को, अपने राज्य को, जो लोगों की बात है उसको मजबूत करें। हम माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और उसको हम उजागर करें। हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव को लेकर कुमारी शैलजा ने कहा कि वहां से परिणाम सकारात्मक सामने आएंगे, क्योंकि भाजपा के जुमलेबाजियों को जनता पहचान चुकी है। और क्या कुछ कहा कुमारी शैलजा ने, सुनवाते हैं आपको। कांग्रेस कॉन्फिडेंट है और हर जगह आपने देखा कि जहाँ भी राज्यों में 5 चुनाव, चाहे पड़ोस की बात करें और जहाँ का मुझे काम दिया गया, छत्तीसगढ़ की हम बात करें, दूसरे मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, सब जगह लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की असलियत देख ली है। और जो जुमलेबाजी इन्होंने लोगों के साथ की, वो जुमलेबाजी ही नहीं, एक धोखेबाजी है, तो लोग इसे देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूं, तो वहाँ पर निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। ना केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की बात है, क्योंकि उनके खिलाफ तो माहौल देश में बन ही रहा है, हिमाचल में हुआ, कर्नाटक में हुआ, आपने देखा, लेकिन इसके अलावा भी वहाँ हमारी सरकार ने जो काम किए हैं लोगों के साथ, लोगों की जो ज़रूरतें थी, चाहे हमारा गरीब से गरीब हो, चाहे मजदूर, किसान, शहरी, ग्रामीण, महिलाएं, सबके सशक्तिकरण के लिए काम हुआ। किसान की बात करें तो सबसे ज़्यादा धान खरीदी भी वहाँ होती है और धान की कीमत भी वहाँ होती है। और ये भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते थे कि कांग्रेस तो रेवड़ी बांटती है, आज उन्हें भी यह एहसास हुआ कि जब तक लोगों का कल्याण नहीं करेंगे तब तक लोग दूर होते जाएंगे। तो अब जो जिन चीज़ों को वो रेवड़ी कहते थे, आज वो भी उसी लाइन पर चलने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने काम करके दिखाया है। और मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार कांग्रेस की फिर से बनने जा रही है। किसानों के चंडीगढ़ महापड़ाव को लेकर कुमारी शैलजा ने भाजपा पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि भाजपा सरकार किसान और मजदूर विरोधी है। क्या कुछ कहा और सुनवाते हैं आपको। आप मुझे ये बता दीजिए कि एक साल जब किसान मजबूर होकर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा, जगह जगह पर बैठा रहा, महिलाएं भी, पुरुष भी, भारतीय जनता पार्टी ने, इनकी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने उन्हें कहा, वायदा किया कि हम आपकी मुश्किलों को दूर करेंगे, कानून वापस के अलावा जो उन्होंने MSP की बात की थी, आज तक उसका कोई अंजाम नहीं निकला है। हर बार हर फसल में किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, हर बार धरने पर बैठना पड़ता है, लेकिन इस सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। ये मजदूर विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, जन विरोधी हैं।
राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर कुमारी सैलजा राहुल गांधी का बचाव करते हुए नजर आई। क्या कुछ कहा कुमारी सैलजा ने, सुनवाते हैं आपको। राहुल जी ने क्या कहा था, अब राहुल जी की पूरी बात तो देख लीजिए क्या कहा था। लोगों में जो चर्चा थी, राहुल जी ने केवल वो बात रिपीट की थी और थोड़ा बहुत मजाक, अब देखो हमारे साथ भी करते हैं सब, इतना थोड़ा बहुत चलता है अब राजनीति में। लेकिन राहुल जी ने आज तक कभी किसी को गलत इंटेंशन से कुछ नहीं कहा, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हों, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हों, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं प्रियंका जी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ, राहुल जी के खिलाफ, कभी राहुल जी को कभी सोनिया जी को कुछ भी बोल देते हैं, हमारे नेताओं ने कभी कुछ नहीं, बल्कि राहुल जी को उन्होंने बहुत कुछ कहा, फिर भी राहुल जी ने उस दिन कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो और मज़बूत होता हूँ। उन्होंने इस बात को हंसी में टाल दिया और यहाँ पर आप देख लीजिए। तो ये जो एक सोच है देश में, जो एक अच्छा माहौल होना चाहिए राजनीतिक, उसको तो सारा खराब भारतीय जनता पार्टी ने और इनके नेताओं ने किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी, जिस पर कुमारी सैलजा ने चुटकी लेते हुए कहा कि हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। और क्या कुछ कहा कुमारी सैलजा ने, सुनवाते हैं आपको। दावा तो करें, लेकिन लोगों के बीच में आप जाएंगे, आप मीडिया के लोग हैं तो आपको असलियत का पता चल जाएगा। आज सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है हरियाणा में, और आने वाले समय में कांग्रेस की ओर ही, कांग्रेस को ही विकल्प के रूप में हरियाणा के लोग देख रहे हैं, और हम भी राहुल जी का और खड़गे जी का संदेश लोगों तक लेकर जाएंगे।